अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सैयद मुर्तजा रब्बानी। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। प्लीज टेक केयर, स्टे एट योर होम। सो अगर हम बात करेंगे, हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू किया था। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, उसके बाद हमने शुरू किया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और मैंने आपको कहा था जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, दैट रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ थ्री पार्ट्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम consists of three parts. पहला पार्ट जो मैंने कहा था, that was respiratory tract. Respiratory tract. उसके बाद जो दूसरा पार्ट था वो मैंने कहा था आपसे, we have respiratory organs. Respiratory organs. और नंबर थर्ड वाला पार्ट जो हमारे पास है, that is respiratory apparatus. Respiratory apparatus. तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। उसमें मैंने आपको बोला था कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहां से शुरू होता है। मैंने आपको कहा था ये शुरू होता है फ्रॉम एक्सटर्नल नैरीज, और एक्सटर्नल नैरीज से लेकर ये जो पैसेज है, दिस पैसेज लीड्स टिल द लंग्स। सो द पैसेज फ्रॉम द एक्सटर्नल नैरीज टिल द लंग्स, दिस ट्रैक्ट, दिस पैसेज ऑफ एयर, इट इज कॉल्ड अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। सो आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ह्यूमन्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उन्हीं को हम आज डिस्कस करेंगे। सो फॉर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन्स आर कंसर्न्ड, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन मैन आर अ पेयर ऑफ लंग्स। सो लंग्स होते हैं, अ पेयर ऑफ लंग्स इन ह्यूमन्स एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, एंड यही लंग्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं सरफेस, विच प्रोवाइड द सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो अगर हम देखेंगे जो हमारे पास लंग्स होते हैं, अ पेयर ऑफ लंग्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बींग्स, एंड इट इज दीज लंग्स विच प्रोवाइड द सरफेस, वो सरफेस प्रोवाइड करते हैं जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड। सो यहां पे क्या है कि रेस्पिरेशन में क्या होना है कि जो गैसेज आते हैं, जो एनवायरमेंट से बाहर से गैसेज आते हैं, वो एक्सचेंज हो जाते हैं बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड। सो ब्लड और लंग्स के बीच में जो एक्सचेंज होता है, ये सरफेस जो प्रोवाइड की जाती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इट इज प्रोवाइडेड बाय द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड दे आर कॉल्ड लंग्स। एंड सो फार द लंग्स आर कंसर्न्ड, वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स। अब अगर आप इन लंग्स की बात करेंगे, लंग्स लाई इन अ कैविटी एंड दैट कैविटी इज कॉल्ड एज थोरासिक कैविटी। उस कैविटी को हम बोलते हैं थोरासिक कैविटी। थोरासिक कैविटी, अगर इस कैविटी की हम बात करेंगे, जो थोरासिक कैविटी होती है, इस थोरासिक कैविटी में लंग्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द साइड्स ऑफ हार्ट। सो हार्ट इज इन बिटवीन द टू लंग्स, सो ऑन द साइड्स ऑफ हार्ट इन द थोरासिक कैविटी द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कॉल्ड लंग्स लाई। अगर हम इस थोरासिक कैविटी की बात करेंगे, दिस थोरासिक कैविटी इज सराउंडेड ऑन डिफरेंट साइड्स बाय डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अगर हम सबसे पहला साइड देखेंगे, अगर हम वेंट्रल साइड की बात करेंगे, ऑन वेंट्रल साइड अगर हम वेंट्रल साइड की बात करेंगे, थोरासिक कैविटी को सराउंड करता है एक बोन है, उसका नाम है स्टर्नम। सो ऑन द वेंट्रल साइड वी हैव स्टर्नम एंड वी हैव रिब्स। सो थोरासिक कैविटी के किस वाले साइड से? ऑन द वेंट्रल साइड वी हैव स्टर्नम एंड रिब्स। अब नंबर नेक्स्ट, अगर डॉर्सल साइड की बात करेंगे, ऑन द डॉर्सल साइड वी हैव वर्टिबल कॉलम एंड रिब्स। नंबर थर्ड, तीसरा वाला, अगर लेटरल साइड की बात करेंगे, ऑन द लेटरल साइड वी हैव रिब्स। नंबर नेक्स्ट, अगर इसके बाद हम देखेंगे ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ लंग्स वी हैव क्लेविकल, जिसको हम और एक नाम बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलर बोन। देन ऑन द पोस्टीरियर साइड, लंग्स का जो पोस्टीरियर साइड होता है, ऑन द पोस्टीरियर साइड वी हैव डायफ्राम।
सो मैंने आपको बताया अगर हम इस थोरैसिक कैविटी की बात करेंगे, जो थोरैसिक कैविटी होती है, दिस थोरैसिक कैविटी इट इज सराउंडेड बाय डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ द बॉडी। अगर हम पहला साइड देखेंगे दैट इज वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड वो साइड होता है जहां से हमारा माउथ होता है। सो ऑन द जो पहला आगे वाला साइड होता है ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ आवर बॉडी, उसी साइड को हम बोलते हैं वेंट्रल साइड, जिस साइड से हमारा माउथ होता है। सो वहां से इट इज सराउंडेड बाय व्हाट? स्टर्नम। एंड वन मोर थिंग, वी हैव व्हाट? रिब्स। उसके बाद जो पिछला वाला साइड होता है हमारा बैक साइड, उस साइड को हम क्या बोलते हैं? डॉर्सल साइड। और इस डॉर्सल साइड की अगर हम बात करेंगे, दिस डॉर्सल साइड यहां पे क्या होता है? नंबर वन इज व्हाट? वर्टेब्रल कॉलम। एंड नंबर सेकंड वी हैव व्हाट? रिब्स। उसके बाद लेटरल साइड, जो साइड्स हमारे बॉडी के होते हैं राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, वहां पे क्या होता है? वी हैव रिब्स। अब एंटीरियर साइड, अगर हम लंग्स का एंटीरियर अपेक्स ऊपर वाला साइड देखेंगे, ऊपर वाले साइड को यहां पे क्या होता है? एक बोन होती है, दैट इज कॉल्ड एज क्लेविकल। और क्लेविकल को ही हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? कॉलर बोन। और जो पोस्टीरियर साइड लोअर साइड होता है लंग्स का, उस साइड से एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, दैट मस्कुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट? डायफ्राम। So, इसीलिए ये जो कैविटी बन जाती है उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? थोरैसिक कैविटी। और इस थोरैसिक कैविटी को ये वाले स्ट्रक्चर्स जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, सो दिस कैविटी विच इज फॉर्मड इट बिकम्स एयर टाइट कैविटी। इट बिकम्स व्हाट? एयर टाइट कैविटी। दिस एयर टाइट कैविटी इज कॉल्ड ए थोरैसिक कैविटी, या हम इसको बोलते हैं चेस्ट कैविटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेस्ट कैविटी। प्लीज हैव अ लुक, मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमारी थोरैसिक कैविटी होती है, ये थोरैसिक कैविटी कैसे डिफरेंट बोन्स या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होके ये थोरैसिक कैविटी बनाते हैं। सो अगर आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा फ्रंट साइड है जिसको हम नाम बोलते हैं वेंट्रल साइड। इसी वेंट्रल साइड में मैंने आपको बोला कि यहां पे दिस थोरैसिक कैविटी इट इज सराउंडेड बाय अ बोन, दैट बोन इज कॉल्ड एज स्टर्नम। यहां पे ये है स्टर्नम। सो मैंने आपको यहां पे बोला, प्लीज हैव अ लुक, मैंने बोला स्टर्नम है और इसको हम स्टर्नम कहते हैं। अगर इसी स्टर्नम की हम बात करेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेस्ट बोन। It is also called as breastbone. So sternum is also called what? Breastbone. So यहाँ पे ventral side पे anterior, जो हमारा body का anterior side होता है, वहाँ पे जो thoracic cavity है, that is surrounded by number one we have what? Sternum. और जो ये इसके साथ attached ये bones है, they are called as ribs. So ribs plus sternum are present on which side? On the ventral side of the thoracic cavity. उसके बाद अगर हम देखेंगे जो dorsal side होता है, means कि हमारी body का पिछला वाला side, on the dorsal side of the body, ये वाला quad जो देखते हैं, इसी को हम बोलते हैं vertebral column. So इस यहाँ अब हमारा जो हमारी जो thoracic cavity होती है पिछले side से या dorsal side से, यहाँ पे क्या होती है? एक number one vertebral column. Again we have ribs over here. So ribs plus वर्टिबल कॉलम आर प्रेजेंट ऑन विच साइड? डॉर्सल साइड। सो डॉर्सल साइड से वर्टिबल कॉलम एंड रिब्स, वेंट्रल साइड से स्टर्नम एंड रिब्स। उसके बाद साइड से आप देखोगे जो हमारे यहां पे होते हैं, यही अगेन कंटिन्यूअस दीज रिब्स। सो यहां से भी रिब्स, और उसके बाद लेफ्ट वाला जो लेटरल साइड होता है, यहां से भी रिब्स। अब मैंने आपको बोला कि ऊपर जो लंग्स का ऊपर वाला पार्ट होता है, मीन्स एंटीरियर पार्ट ऑफ द लंग्स, अगर यहां पे ऐसे लंग्स होते हैं इस वाली कैविटी में, सो यहां पे जो ऊपर वाला साइड होता है, ये वाली बोन, these are called as collar bones, या हम इनको दूसरा नाम बोलते हैं clavicle. So मैंने आपको बताया कि ventral side पे we have what? Sternum and ribs. On the dorsal side we have vertebral column and ribs. On the lateral sides we have ribs. And on the anterior side we have the bone that is called what? Clavicle. या इसको दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं? Collar bone. और जो नीचे वाला side होता है posterior side, किन का? Lungs का. और वहाँ पे जो muscular structure present होता है, although that is not present over here, but yes, that muscular structure which lies over here below the lungs, on the base of the lungs, that is called as diaphragm. अब आप देखो, मैंने आपको बताया था जो हमारी ये जो थोरैसिक कैविटी होती है, थोरैसिक कैविटी में मैंने आपको बोला लंग्स आर प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ द हार्ट। इफ यू आर एबल टू सी द हार्ट ओवर हियर, ये हार्ट होता है हमारा, और इस हार्ट के एक साइड पे एक लंग होता है और दूसरे साइड पे दूसरा लंग होता है, और ये जो बीच में जगह बन जाती है, द स्पेस इन विच द हार्ट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू लंग्स, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग,
इसी स्पेस को, जिस स्पेस में यहां पे आप क्या देखते हो, यहां पे हार्ट देखते हो, उसी स्पेस को हम बोलते हैं मेडस्टेनम। मेडस्टेनम इज द स्पेस बिटवीन द राइट लंग एंड द लेफ्ट लंग, जो बिटवीन द स्पेस होती है। इसकी वजह से जो हमारा लेफ्ट लंग है उसकी जो शेप है, उसका जो साइज है, वो टू सम एक्सटेंट एज कंपेयर टू द राइट लंग कम हो जाता है। प्लीज ये भी यहां पे देख लीजिए, हार्ट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू लंग्स। सो उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो हमारी थोरैसिक कैविटी है, इन स्ट्रक्चर्स की वजह से जो हमारी थोरैसिक कैविटी है वो क्या बनती है, एयरटाइट। तो इस एयरटाइट में होते, इस एयरटाइट कैविटी में, इस थोरैसिक कैविटी में हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, एंड द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर लंग्स। अब आगे अगर हम देखेंगे लंग्स की, अगर हम अब बात करेंगे जो लंग्स हमारे होते हैं, लेट अस हैव अ लुक ऑन द लंग्स। अब लंग्स में क्या क्या चीजें होती है। सो नंबर फर्स्ट, सो लेट अस ड्रॉ रफ डायग्राम ओवर हियर। आप मुझसे बेहतर डायग्राम बना सकते हो, आराम से घर में आप बना सकते हो। आई विल ट्राई, एंड हियर इज वन फाइन पेन फन नंबर वन, नंबर सेकेंड, फाइन। सो दीज आर द लंग्स, अगर हम देखेंगे। सो यहां से ट्राई किया, नंबर नेक्स्ट, फाइन। अब प्लीज हैव अ लुक, अगर हम लंग्स की बात करेंगे, लंग्स जो होते हैं दे आर एक्सटर्नली सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स एंड दे आर कॉल्ड एज प्लूरल मेम्ब्रेन्स। मेहरबानी करके आप मुझे फॉलो कीजिए, प्लूरल मेम्ब्रेन्स। प्लूरल मेम्ब्रेन्स। सो यहां पे मैंने आपको बताया जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स आर सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स, और उन मेम्ब्रेन्स को हम क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन्स। नाउ प्लीज हैव अ लुक, जो ये प्लूरल मेम्ब्रेन्स हमारे होते हैं, मैंने बोला दो प्लूरल मेम्ब्रेन्स, एक होता है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और दूसरा होता है इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज वन प्लूरल मेम्ब्रेन और अंदर से जो दूसरा होता है दैट इज द सेकेंड प्लूरल मेम्ब्रेन। One is inside and the another one is what? Outside. So, जो inner वाला होता है, जो inner वाला membrane होता है, pleural membrane होता है, inner pleural membrane, it is called as visceral pleural membrane. Visceral pleural या visceral pleural membrane या visceral pleura. शाबाश, so inner one is called visceral pleura. अब जो बाहर वाला होता है, it is called as parietal pleura. Parietal pleura. It's called what? Parietal pleura. So how many membranes? Two membranes. So these membranes are called what? Pleural membranes. The inner pleural membrane is called as visceral pleural membrane and the outer pleural membrane, it is called what? Parietal pleural membrane. Now please have a look. Agar aap dekhoge, jo ye do pleural membranes hote hain, in between the two pleural membranes, there is a narrow cavity. There's a narrow cavity. इस narrow cavity को जैसे हम किसी के नाम से, किसी का बंगलो जैसे मशहूर होता है, इसी तरीके से यहां जो membranes है इनकी वजह से यहां जो cavity है वो मशहूर है। So इसको हम बोलते हैं pleural cavity. Narrow cavity between the two membranes, it's called as pleural cavity. So pleural cavity which is narrow in between the visceral pleura and the parietal pleura. So this pleural कैविटी अगर इसकी बात करोगे, इट कंटेन्स अ फ्लूइड, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज प्लूरल फ्लूइड। सो यहां पे फ्लूइड होगा, उस फ्लूइड का नाम क्या होगा बेटा, शाबाश, उसका नाम है प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं हम उसको, शाबाश। सो प्लूरल फ्लूइड इज प्रेजेंट इन द प्लूरल कैविटी एंड द प्लूरल कैविटी इज फॉर्मड बाय द प्लूरल मेम्ब्रेन्स। द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड विसरल प्लूरा एंड द आउटर इज कॉल्ड एज पैराइटल प्लूरा। शाबाश, अगर यहां इसकी क्वांटिटी हम देखेंगे, दैट इज अबाउट 150 ml. So 150 ml pleural fluid is present in the pleural cavity. Shabash, ab aap, agar aap dekhoge, jo yahan pe parietal pleura hota hai, which is the outer one, and the visceral pleura is the inner one. Ye visceral pleura jo hota hai, it is attached with the lungs. So ye lungs ke side se hai. So it is attached with what? Lungs. While as parietal pleura, ye ke side se hai? Outside se. So it is attached with the cavity. And the cavity is called as beta thoracic cavity. किस कैविटी के साथ? थोरैसिक कैविटी। सो इट इज अटैच्ड विद द थोरैसिक कैविटी। बात समझ आ रही है? शाबाश, उसके बाद अब्बा प्लीज याद रखिए, ये जो प्लूरल फ्लूइड,
इस प्लूरल कैविटी में आ जाता है. सो यहां पे जो प्लूरल फ्लूड इस प्लूरल कैविटी में आ जाता है, दिस एक्यूमुलेशन ऑफ द प्लूरल फ्लूड इन दिस प्लूरल कैविटी, इट इज कॉल्ड एज प्लूरसी. सो यहां पे जो एक्यूमुलेशन होती है इस फ्लूड की, एक्यूमुलेशन ऑफ दिस फ्लूड इन द प्लूरल कैविटी, इट इज कॉल्ड एज प्लूरसी. क्या बोलते हैं बेटा? प्लूरसी. बात समझ आ रही है? शाबाश. उसके बाद नंबर नेक्स्ट, जो यहां पे जो प्लूरल फ्लूड होता है, जो ही ये ज्यादा जमा हो जाता है, देन इट इज ड्रेनड इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम. सो कहां पे ड्रेन होता है? इन द लिम्फेटिक्स. लिम्फेटिक्स में क्या होता है? ड्रेन. बात समझ आ रही है? सो मैंने अभी तक बोला आपको, जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स आर सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स एंड दे आर कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन्स. प्लूरल मेम्ब्रेन्स, एक होता है विसरल, दूसरा क्या होता है? पैराइटल. सो विसरल इन बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स देयर इज अ नैरो कैविटी, दैट इज कॉल्ड व्हाट? प्लूरल कैविटी. और प्लूरल कैविटी के बाद इसी प्लूरल कैविटी में एक फ्लूड होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? प्लूरल फ्लूड, विच इज अबाउट हाउ मच? 150 ml. उसके बाद मैंने बोला कि ये जो एक्यूमुलेट होता है यहाँ पे प्लूरल फ्लूड, और यहाँ पे आपको बता दूं, ये जो प्लूरल फ्लूड बनता है, इट इज फॉर्मड, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स प्रेजेंट इन द प्लूरल मेम्ब्रेन. उसके बाद एक्यूमुलेशन ऑफ दिस प्लूरल फ्लूड इन दिस प्लूरल कैविटी, इट इज कॉल्ड एज प्लूरसी. बात समझ आ रही है? शाबाश. उसके बाद अगर यहाँ पे जो प्लूरल फ्लूड जब ड्रेन होता है, इट इज ड्रेनड इन टू द लिम्फेटिक्स, मीन्स लिम्फेटिक सिस्टम में ड्रेन हो जाता है. नाउ प्लीज हैव अ लुक, अगर हम बात करेंगे इन दो मेम्ब्रेन्स की, एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो आपका विसरल प्लूरा है और पैराइटल प्लूरा है, दीज टू आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन. These are what? Mesodermal in origin. अब आपका हो गया, सर mesodermal in origin क्या होता है? यहाँ पे ख्याल रखिए, जो mesoderm होता है, please have a look, जब fertilization होती है, means male gamete और female gamete एक दूसरे के साथ क्या करता है? Fuse. So once they fuse, what is formed? Zygote. शाबाश. So जब zygote divide करता है, once the zygote divides, यहाँ पे बहुत सारे blastomers बनते हैं. मीन्स हमारे पास बहुत सारे ब्लास्टोमर्स आते हैं, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसमें बहुत सारे ब्लास्टोमर्स होते हैं. नाउ प्लीज हैव अ लुक, ये जो ब्लास्टोमर्स होते हैं, ये बहुत सारी सेल्स जो होते हैं, दीज सेल्स एक्चुअली दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री लेयर्स, 1, 2 एंड 3. तीन लेयर्स में डिवाइड हो जाती है, 1, 2 और 3. नाउ प्लीज हैव अ लुक, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म. एक्टोडर्म. उसके बाद जो मिडल वाला होता है, दैट इज कॉल्ड एज मीजोडर्म. उसके बाद जो इनर वाला होता है, दैट्स कॉल्ड एज एंडोडर्म. सो हाउ मेनी लेयर्स आर फॉर्मड? 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. सो एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. मेसोडर्म and endoderm, and this process of formation of these three germ layers, it's called as gastrulation. क्या बोलते हैं बेटा इसको? Gastrulation. So gastrulation के दौरान कितने layers बनते हैं? 3. Number 1 is ectoderm, mesoderm and endoderm. Now please have a look. So mesoderm की अगर आप बात करोगे, इसी mesoderm से आपके दो layers बनते हैं, we surround your lungs, they are visceral pleura and parietal pleura. बात समझ आ रही है? So visceral pleura और parietal pleura जो होता है, they are mesodermal in origin. बात समझ आ रही? शाबाश. उसके बाद अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं. शाबाश बेटा, ख्याल रखिए, प्लीज फॉलो मी. सो उसके बाद नंबर नेक्स्ट, अगर हम लंग्स की बात करेंगे, जो लंग्स होते हैं, मैमल्स के जो लंग्स होते हैं, दे आर सॉलिड. नंबर फर्स्ट, दे आर सॉलिड. क्या होते हैं? सॉलिड. सो फर्स्ट, दे आर सॉलिड. जो हमारे लंग्स होते हैं, दे आर व्हाट? सॉलिड. नंबर नेक्स्ट, दे आर स्पॉन्जी. सो मैंने आपको बोला लंग्स क्या होते हैं, हमारे मैमल्स के लंग्स क्या होते हैं? सॉलिड. नंबर सेकंड इज व्हाट? स्पॉन्जी. नंबर नेक्स्ट आप देख लीजिए, अगर हम मैमल्स के लंग्स की बात करेंगे, एट द टाइम ऑफ बर्थ द कलर ऑफ द लंग्स इज पिंक. कैसा होता है बेटा? पिंक. सो मैंने आपको बोला एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ द कलर ऑफ लंग्स इज पिंक. सो एट द टाइम ऑफ बर्थ द कलर इज व्हाट? पिंक. उसके बाद ग्रेजुअली यह पिंक कलर चेंज होता है, लंग्स का पिंक कलर चेंज होता है, इट बिकम्स ग्रे. कैसा बनता है? ग्रे. उसके बाद ग्रे के बाद ये बनता है भाई ब्लैक. कैसा बनता है? ब्लैक. सो मैंने बोला एट द टाइम ऑफ बर्थ व्हाट इज इट?
पिंक, उसके बाद कैसा बनता है ग्रे, उसके बाद कैसा बनता है ब्लैक। अब आप कहोगे सर अगर पिंक था तो इसको कौन सा बंदा यहां से पैंट करने के लिए जाता है? मैं बताऊंगा, जो हमारे लंग्स में एयर जाता है उस एयर में ऐड होते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। क्या होते हैं भाई? एयर पोल्यूटेंट्स। सो एयर पोल्यूटेंट जब हमारे लंग्स में जाते हैं, जो कलर पिंक होता है उसको कलर कैसा होता है? ग्रे। उसके बाद इसी का कलर विद ग्रेजुअल टाइम, विद पैसेज ऑफ टाइम कैसा होता है? ब्लैक। इसीलिए बेटा आप देखते हो जो लोग स्मोकर्स होते हैं, जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, उनके लंग्स का कलर जो होगा वो क्या होगा? ब्लैक। सो हमें सिगरेट स्मोकिंग करनी चाहिए? नहीं, नॉट एट ऑल। बात समझ आ रही है? शाबाश। सो इसीलिए मैंने बोला एट द टाइम ऑफ बर्थ वी हैव व्हाट? पिंक कलर्ड लंग्स, उसके बाद ये ग्रे होते हैं, उसके बाद ब्लैक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट? एयर पोल्यूटेंट्स। शाबाश। उसके बाद अगर आप बात करोगे जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स की अगर हम शेप देखेंगे, द शेप ऑफ लंग्स इज दे आर कॉनिकल। कैसे होते हैं बेटा? कॉनिकल। नाउ प्लीज हैव अ लुक। अगर आप देखोगे जो इनका अपेक्स होता है, ये ऊपर वाला पार्ट अपेक्स, ये होता है नैरो। क्या होता है बेटा? नैरो। प्लीज हैव अ लुक, आप देखो खुद, ये नैरो है एज कंपेयर टू बेस। सो बेस की अगर आप बात करोगे, इट इज ब्रॉड। बेस इज व्हाट? ब्रॉड। सो शेप अगर देखोगे, इट इज व्हाट? कॉनिकल, बिकॉज द एपेक्स इज व्हाट? नैरो एंड द बेस इज ब्रॉड। बेस इसीलिए ब्रॉड होती है क्योंकि बेस को यहां पे अकोमोडेट करना होता है द मस्कुलर ऑर्गन, दैट मस्कुलर ऑर्गन इज कॉल्ड एज डायाफ्राम। सो डायाफ्राम यहां पे बेस को क्या करना पड़ता है? अकोमोडेट। इसकी वजह से इसका ये जो बेस होती है वो क्या होती है? ब्रॉड। सो मैंने आपको बोला लंग्स की जो शेप होते हैं, इट इज व्हाट? कॉनिकल। उसके बाद नंबर नेक्स्ट, अगर आप देखोगे एक लंग का जो वेट होता है, वेट एक लंग का होता है दैट इज अबाउट 450 ग्राम्स। सो वेट कितना होता है? 450 ग्राम्स। बात समझ आ रही है? शाबाश। उसके बाद नंबर नेक्स्ट, अगर हम लंग्स की बात करेंगे, ईच लंग इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लोब्स। इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लोब्स एंड द लंग्स आर डिवाइडेड बाय द हेल्प ऑफ ग्रूव्स। ग्रूव्स की वजह से डिवाइड होते हैं लंग्स एंड दीज ग्रूव्स आर कॉल्ड एज फिशर्स। बेटा क्या बोलते हैं इनको? फिशर्स। सो ग्रूव्स होते हैं लंग्स में, डिमार्केशन होती है, इन डिमार्केशन की वजह से जो हमारे लंग्स हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लोब्स। सो शाबाश, अगर हम ये वाला राइट लंग है और ये वाला क्या है? लेफ्ट लंग। अगर हम राइट लंग की बात करेंगे, इस राइट लंग में दो फिशर्स होते हैं, दिस फिशर इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स फिशर। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स फिशर। और यहां पे और एक फिशर होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज ओब्लीक फिशर। क्या बोलते हैं बेटा? ओब्लीक फिशर। शाबाश। सो मैंने आपको बोला जो राइट वाला लंग है, राइट वाले लंग में कितने फिशर्स? दो फिशर्स। नंबर वन इज ट्रांसवर्स फिशर, नंबर सेकंड इज व्हाट? ओब्लीक फिशर। अगर इस ट्रांसवर्स फिशर या ओब्लीक फिशर की वजह से हम देखेंगे, सो दिस लंग इज डिवाइडेड, राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू थ्री लोब्स। पहला वाला जो लोब होता है, जो ऊपर वाला लोब होता है, इट इज कॉल्ड एज राइट सुपीरियर लोब। क्या बोलते हैं बेटा? राइट सुपीरियर लोब। उसके बाद जो मिडल वाला होता है, इट इज कॉल्ड एज राइट मिडल लोब। उसके बाद जो नीचे वाला होता है, इट इज कॉल्ड एज राइट इंफीरियर लोब। सो कितने लोब्स राइट लंग में? तीन। नंबर वन इज राइट सुपीरियर लोब, नंबर सेकंड इज राइट मिडल लोब, उसके बाद राइट इंफीरियर लोब। बात समझ आ रही है? सो हाउ मेनी फिशर्स? टू फिशर। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो राइट लंग होता है, इसमें सेगमेंट्स होते हैं एंड देयर आर 10 सेगमेंट्स। हाउ मेनी सेगमेंट्स? 10 सेगमेंट्स। सो अगर आपको कोई पूछेगा कि आपका जो हमारा जो राइट लंग होता है उसमें कितने लोब्स होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? 3 लोब्स। और कितने ये होते हैं ये सेगमेंट्स? 10 सेगमेंट्स। बात समझ आ रही है? फिशर्स दो, कौन कौन सा? ओब्लिक फिशर एंड नंबर सेकंड इज व्हाट? ट्रांसवर्स फिशर एंड नंबर सेकंड इज व्हाट? ओब्लिक फिशर। अब अगर आप देखोगे लेफ्ट लंग की अगर हम बात करेंगे, लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन द राइट लंग। वजह क्या होती है? इसके बीच में जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं मेडस्टीनियम। सो मेडस्टीनियम की वजह से इसमें क्या होता है? हार्ट होता है, स्पेस को हम बोलते हैं मेडस्टीनियम। और यहां जो हार्ट होता है, इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, इसीलिए जो हमारा लेफ्ट लंग होता है, इट इज स्मॉलर। अब इस लंग की अगर आप बात करोगे, देयर आर ओनली टू सेगमेंट्स। नंबर वन वी हैव लेफ्ट सुपीरियर लोब एंड नंबर नेक्स्ट वी हैव लेफ्ट इंफीरियर लोब।
ऊपर वाले को क्या बोलते हैं सुपीरियर, नीचे वाले को क्या बोलते हैं इन्फीरियर. सो हाउ मेनी लोब्स, टू लोब्स. ऊपर वाले को लेफ्ट सुपीरियर, नीचे वाले को लेफ्ट इन्फीरियर. अब यहां पे अगर आप देखोगे यहां पे एक ही फिशर होता है एंड दैट फिशर इज कॉल्ड एज ओब्लीक फिशर. क्या बोलते हैं बेटा, ओब्लीक फिशर. सो ओनली वन फिशर इज प्रेजेंट ओवर हियर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ओब्लीक फिशर. बात समझ आ रही है. सो मैंने आपको बोला जो लंग्स होते हैं, अब यहां पे अगर आप देखोगे जो लेफ्ट वाला लंग होता है, लेफ्ट वाले लंग में खाली 8 सेगमेंट्स होते हैं. कितने होते हैं बेटा, 8 सेगमेंट्स. सो यहां पे मुझे बताओ जो राइट लंग होता है उसमें कितने सेगमेंट्स, 10. लेफ्ट लंग में कितने होते हैं, 8 सेगमेंट्स. बात समझ आ रही है. उसके बाद अगर आप देखोगे जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स में होते हैं एट लीस्ट, सो वी हैव 300 मिलियन अल्वियोलाइ. प्लीज रिमेंबर दिस. सो मैंने आपको बोला लंग्स में कितने अल्वियोलाइ होते हैं, 300 मिलियन अल्वियोलाइ. अगर आप इन अल्वियोलाइ की बात करेंगे, अगर इनका सरफेस एरिया हम देखेंगे, द सरफेस एरिया ऑफ दिस अल्वियोला इज 100 मीटर स्क्वायर. कितना बेटा, 100 मीटर स्क्वायर. अब आप कहोगे सर इतना ज्यादा सरफेस एरिया क्यों, सिंस द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच टेक्स प्लेस ओवर हियर इन द लंग्स, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, एंड मोर सरफेस एरिया वी हैव, मोर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. सो इसीलिए यहां का सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा. बात समझ आ रही है. नाउ प्लीज हैव अ लुक. अगर हम इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे जो लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, विच आर कॉल्ड एज व्हाट, अल्वियोलाई. इन अल्वियोलाई की अगर हम बात करेंगे, इनकी जो लाइनिंग होती है अंदर से, दैट लाइनिंग, ये जो लाइनिंग अंदर से होती है, दिस लाइनिंग कंटेन सेल्स एंड दे आर कॉल्ड एज नेमोसाइट टाइप सेकेंड, नेमोसाइट टाइप सेकेंड सेल. मेहरबानी करके ख्याल रखिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेमोसाइट टाइप सेकेंड सेल की अगर आप बात करोगे, ये एक सब्सटेंस रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, एंड दे आर कॉल्ड एज सर्फेक्टेंट्स, सर्फेक्टेंट्स. सो दीज नेमोसाइट टाइप सेकेंड सेल्स, दे फॉर्म सर्फेक्टेंट्स. अब ये सर्फेक्टेंट्स की अगर आप बात करोगे, दीज सर्फेक्टेंट्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ, दे कंटेन इन देम फॉस्फोलिपिड्स. मेहरबानी करके पूछा गया है एक बार नीट में, मेहरबानी करके ख्याल रखिए. सो फॉस्फोलिपिड्स, सो मैंने बोला नेमोसाइट टाइप सेकेंड सेल, दे आर लाइनिंग विच स्ट्रक्चर्स, अल्वियोलाइ, एंड दे these nemocyte type second cell, they secrete what, surfactants, which contain in the what, which are made up of what, phospholipids. Now please have a look. Agar in phospholipids, in surfactants ki aap baat karoge, they prevent the collapsing of alveoli. मेहरबानी करके ख्याल रखिए. अगर आप यहां ट्रैकिया की बात करोगे या आप ब्रोंकियोल्स की बात करोगे, सॉरी ब्रोंकाई की बात करोगे, मैंने आपको कहा था कि वहां पे हमारे पास होती है कार्टिलेजनस रिंग्स. क्या होती है बेटा, कार्टिलेजनस रिंग्स. इन कार्टिलेजनस रिंग्स की वजह से जो है ये वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये ऊपर रहते हैं, दे डोंट गेट कोलैप्स्ड. लेकिन यहां पे जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहां पे तो कोई भी कार्टिलेजनस रिंग नहीं है. इसीलिए यहां पे क्या है, नेचर ने यहां पे सर्फेक्टेंट्स रखे हैं जिनकी वजह से ये जो अल्वियोलाई हैं, दे आर नॉट एबल टू गेट कोलैप्स्ड. बट प्लीज हैव अ लुक, अगर कभी कभी क्या हो जाएगा, ये जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं, अगर सर्फेक्टेंट्स की डेफिशिएंसी हो जाए, अल्लाह बचाए, अगर यहां पे इन सर्फेक्टेंट्स की डेफिशिएंसी हो जाए, सो डेफिशिएंसी अगर अल्लाह बचाए इनकी हो जाए, तो यहां पे इनकी डेफिशिएंसी की वजह से एक बीमारी हो जाती है, दैट डिजीज इज कॉल्ड एज एलेक्टेसिस, एटिलेक्टेसिस. सॉरी मैंने आपको बोला एटिलेक्टेसिस एक डिजीज है जो यहां पे होती है, और इस डिजीज में क्या होता है, यहां पे होते हैं कोलैप्सिंग ऑफ अल्वियोलाई. इंडिया में बहुत सारे पेशेंट्स हर साल आते हैं जिनको होते हैं एटिलेक्टेसिस. यहां पे क्या होता है, जो हमारे अल्वियोलाई होते हैं, अल्वियोलाई में जब सर्फेक्टेंट्स नहीं होते हैं, सो सर्फेक्टेंट जब नहीं होंगे, यहां पे क्या हो जाता है, ये जो अल्वियोलाई होते हैं, दे गॉट कोलैप्स्ड. सो ये कोलैप्स हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं दोनों सर्फेसिस. जब सर्फेसिस मिल जाएंगी, तो मुझे बताओ क्या ट्रांसफर या एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड हो जाएगा, नहीं, बिकॉज द मेन रेस्पायरेटरी सरफेस एट विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स, दैट इज अल्वियोलाई. सो जब अल्वियोलाई यहां पे क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, सो द डिजीज इज कॉल्ड एज एटिलेक्टेसिस, जिसमें क्या हो जाता है, कोलैप्सिंग ऑफ द अल्वियोलाई. बात समझ आ रही है. उसके बाद नंबर नेक्स्ट जो लास्ट वाला इसमें स्ट्रक्चर आता है, दैट इज कॉल्ड एज डायफ्राम. सो फॉर द डायफ्राम इज कंसर्नड, डायफ्राम की अगर आप बात करोगे, डायफ्राम इज ए मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर जो हमारे लंग्स होते हैं वो रेस्ट करते हैं. इसका जो इसकी जो शेप होती है, इट इज डूम शेप्ड. कैसा होता है, डूम शेप्ड. सो दिस प्रेजेंस ऑफ द डायफ्राम, मेहरबानी करके ख्याल रखिए मैं क्या बोल रहा हूं. तो ये जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम जो होता है, प्रेजेंस ऑफ द डायफ्राम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स.
करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स. सो डायफ्राम का प्रेजेंट होना इट्स द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हाट? मैमल्स. और ये डायफ्राम जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट एड्स इन रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशन में ये क्या करता है? हेल्प करता है. बात समझ आ रही है? सो इन रेस्पायरेशन द डायफ्राम प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लंग्स. सो आज हमने डिस्कस किया कि जो लंग्स होते हैं उनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, लंग्स का कलर कैसा होता है, उनका जो वेट होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे जो डिफरेंट कवरिंग्स ऑफ द कलर वो कैसी होती है, जिस एयर टाइट कवरिंग में का ये लंग्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं. तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द रेस्पिरेटरी अपैरेटस. टिल देन अल्लाह हाफिज. मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल.